हेलो दोस्तों, आप सभी राहुल चावरिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ब्लॉग है माता वैष्णो देवी यात्रा, जो कि हम जम्मू से माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा रहे हैं। ये आप अच्छे से देख ही रहे होंगे दोस्तों कि हम टनल के अंदर से भी क्रॉस करेंगे टनल को। बारिश भी काफ़ी हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के कारण हम ऑटो के अंदर यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाकों के अंदर पानी भी काफ़ी जगह से आ रहा है। लेकिन अब तो काफ़ी अच्छा, सड़कें वड़कें भी अच्छी कर रखी है सरकार ने, बहुत ही सुविधा है अच्छी। ये हम टनल के अंदर क्रॉस कर, तो इसके अंदर अच्छी लाइट वाइटिंग भी दे रखी है, लाइटिंग भी दे रखी है। और हमारा ऑटो वाला भी फुल स्पीड में निकाल रहा है ऑटो को टनल के अंदर से। ये दोस्तों, हम पहुंच गए हैं माता वैष्णो देवी, जो कि हमारा पहला चेक पोस्ट है। माँ वैष्णो देवी आप देख ही रहे होंगे कि पहाड़ों पर कितनी और वगैरह ठंड पड़ी हुई है। बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है, जय माता दी। और दोस्तों, आप कभी जो आए नहीं हो माता के, वो एक बार ज़रूर आए माता वैष्णो देवी कटरा, माता के ज़रूर दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा। ये आप दोस्तों देखो कि जो नया रास्ता है, जो कि अपने कटरा से सीधा जो भवन पे मिल रहा है, ये नया रास्ता के अंदर एक लंगर है, जिसके अंदर आप अच्छे से देख ही रहे होगे। इसमें काफ़ी सुविधा भी है, स्क्रीन वगैरह लगी हुई है और साउंड सिस्टम भी काफ़ी है इसके अंदर। दोस्तों, आप सबसे बड़ी बात है कि लंगर जो नया रास्ता बना हुआ है, जो कि हमारे जो गुलशन कुमार का लंगर है, उसके साइड में से रास्ता अभी नया न्यू रास्ता बनाया गया है। ये तो नया रास्ता ये रास्ता इतना ही अच्छा है, लेकिन कटरा से ये लेके 4 किलोमीटर अर्धकुंवारी लंबा पड़ता न्यू है, रास्ता लेकिन अच्छा है माता रास्ता। वैष्णो देवी। अभी कोई आ भी नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है अभी, सुनसान रास्ता आपको है इस इस वजह रास्ते से। पे तो हम इस ये रास्ते से लंगर की आज माता सुविधा वैष्णो देवी उपलब्ध ने है, बुलाया है बहुत उनको, ही तो अच्छा हम है, आए बहुत ही हैं। बढ़िया। तो इस माता लंगर वैष्णो की देवी शॉपिंग वेबसाइट भी दी मार्केट हुई है, ये यहाँ आप पे लंगर, काफ़ी उसमें है, अच्छी सुविधा है, आर्मी वगैरह भी है, यहाँ जेएनके पर आप पुलिस भी सबके लिए है। लंगर की मतलब व्यवस्था कोई है, भी जो यहाँ पर इस आप नए रास्ते पे देखोगे है कि इस चीज़ की कोई फैसिलिटी इसमें बढ़ाता है। नुकसान लंगर वाली में बहुत बात बड़ा नहीं हाल है, रूम जो भवे अभी हाल मान है, लो आप अकेले हो या अभी मान लो यहाँ कोई हादसा हो जाए, नहीं ऐसा कुछ पर भी एक नहीं बहुत है, बढ़िया क्योंकि और हमारी मजबूत पुलिस, बना जेएनके रखी है, पुलिस और लकड़ी आर्मी से, भी सीमेंट इस से, रास्ते पे पत्थर से, है, ईंटें से नाके बना काफ़ी रखी लगे है। हुए हैं। यहाँ चेक पर फौजी पोस्ट भाई भी, और दो ईसी तीन पॉइंट चेक पर आपको पोस्ट एक है एटीएम भी इसमें, मिलेगा, रास्ते के यहाँ पर अंदर। आपको साउंड सिस्टम, तो अच्छा है, सारे रास्ते पे आप एक बार लाइटें, ये हमारे जरूर आइए इस भाई, नए ये देखिए रास्ते आप पे, इसकी वेबसाइट पे भी जाकर आपको देख अच्छा सकते हैं, श्री लगेगा, माता वैष्णो देवी। चढ़ाई वगैरह भी बहुत ही कम है। और बस अब हम थोड़े हमारा ब्लॉग अर्धकुंवारी मिस्टर के राहुल आसपास ही चावरिया है, ब्लॉग, अब ये रास्ता सीधा अर्धकुंवारी ही जाकर मिलेगा। तो उसके बाद दोस्तों हम निकलेंगे माता भवन, वैष्णो देवी भवन के लिए। आप देख रहे होगे दोस्तों, जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की जय माता दी। ये दोस्तों माता का भवन कितना अच्छा लग रहा है, जय माता दी। आप सभी दर्शन कर लीजिए, और जो फ्रेंड मेरे नहीं आए माता वैष्णो देवी, वो प्लीज़ ज़रूर आए माता वैष्णो देवी और भैरव के दर्शन कीजिए। अब हमने दर्शन कर लिए, क्योंकि हमने रात को ही चढ़ाई शुरू कर दी थी माता वैष्णो देवी की। तो अब सुबह हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि अब हम निकलेंगे भैरव के लिए, दर्शन के लिए। बस अब निकलने ही वाले हैं। ये आप देखोगे, ये इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों मुझे दर्शन करके, मतलब दिल ना बिल्कुल शांत हो गया मेरा। और दोस्तों आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। जय माता दी। राहुल चावड़िया ब्लॉग्स, थैंक यू दोस्तों।